अगेन अ टीम जिसको काफी टाइम तो से एकदम हाइड्राइस बहुत इनिशियल फेज में हाइड्रा बहुत इनिशियल फेज में मतलब हम देखो ना बिशमा वाली जो लाइनअप थी जोकर वाली थी बहुत इनिशियल फेज से थे हाइड्रा ने अभी तक कुछ वैसा उस लेवल का नहीं किया स्पोर्ट्स तो आई वुड लव टू सी अगर हाइड्रा पे नो एकदम एक वो करते कि भाई ट्रोफी लेना फिर ले कोई बोल पाएंगे कि मतलब देखो भाई खाड़ा है वो वाली सीन हो जाएगी तो आई वुड लव टू सी हाइड्रा ऑल्सोर लिफ्टिंग अ ट्रॉफी काफी टीम है आर एन टी हाँ भाई आर एन टी में तो ड्रीम टी क्योंकि उनकी ड्रीम टीम है

तब वहां पे सब कुछ awesome. है वहां पे मेरा खुद का जिम रहेगा मेरा खुद का प्राइवेट पूल रहेगा मेरा खुद का प्राइवेट लॉन रहेगा मेरा खुद का प्राइवेट लेक रहेगा ठीक है ओलंपियाड स्विमिंग पूल रहेगा रहे रहे सोचो ओलंपियाड स्विमिंग पूल मतलब स्विमिंग पूल ऐसा स्विमिंग पूल जहां पे ओलंपिक्स के स्विमिंग रेस होती है वो भी रहेगा मेरे पास और तो और गैस, भी रहेगा वहाँ <laughs> जेट बोलना मतलब कह सकते मेरा एक सपना है बट भाई प्राइवेट जेट एक ऐसी चीज है ना ब्रो की अच्छे अच्छों के पास नहीं है भाई अच्छी कह रहा हूँ मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें शाहरुख खान के पास तक प्राइवेट जेट नहीं है ब्रो पता है एंड उसने बोला था कि मैं प्लान कर रहा हूँ लेने का बट उसके पास भी नहीं है आप सोचो मेहनत करते रहना हार नहीं माननी है भले ही, ही ना हो यार कोई दिक्कत नहीं है भाई भले ही ना हो बट जो भी रहेगा भगवान की दया से उसमें खुश अपन कोई दिक्कत नहीं भाई प्राइवेट आइलैंड भी है भाई ना भाई डेट ऑफ थर्टी टू कंफर्म यस ब्रदर थर्टी टू में हम ऑलरेडी आ चुके हैं